हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन माय चूल्हा। आज हम बनाने वाले हैं पॉपसिकल्स। तो इस मई की गर्मी में पॉपसिकल बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आज हम घर में अवेलेबल और सीजनल चीज़ों से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो आइस एप्पल ले लिए हैं, जिसे हम ताड़गोला भी कहते हैं। ग्राइंडर में डाल देंगे काट के, उसमें साथ में डाल देंगे एक चम्मच शक्कर और उसे एक बार पीस लेंगे। उसके बाद फिर से हम उसे खोल कर उसमें एक कप दूध डालेंगे। तो ये जो घोल बनेगा, इसमें एक ग्लास आप आइस गोला का ड्रिंक बना सकते हैं। तो फिर से हम इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें हम पानी और थोड़ा सा शुगर और ऐड कर देंगे, अगर आपको चाहिए तो। और फिर जब हम इसे सर्व करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जियाँ, जिसे हम चिया सीड कहते हैं, उसे भिगा कर रखा था मैंने, उसमें एक चम्मच डालेंगे। उसके बाद हमारा पिसा हुआ आइस एप्पल का घोल डालेंगे और पानी डाल के बहुत ही अच्छा सा घोल बना लेंगे। और इसे डालेंगे हम अपने मोल्ड में, सबसे पहला पॉपसिकल बनाने के लिए। तो ये रेडी हो गया है। तो ये एक गिलास के करीब बनता है। तो आपको अगर ऐसे लगे कि शक्कर कम है, तो आप इसमें पाउडर शुगर डालकर ऐड कर सकते हैं। तो ये घोल बन चुका है। तो सबसे चलिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट आइस एप्पल का जो है, हमने पॉपसिकल बना दिया है, इसे हम कवर करके रख देंगे साइड में। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना दूसरा वाला। तो यहाँ पर मैंने टैंग लिया है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। 5 रुपये वाला पैकेट है ये। टैंग का पूरा पैकेट हम इसमें डालने वाले हैं, जिससे कि बहुत ही टेस्टी पॉपसिकल बनेगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया, और इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी इसमें शुगर होता है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, बस एक मेरा पॉपसिकल का जार भर जाए उतना ही पानी डाला है मैंने। जो भी थोड़ा बहुत बचे, आप उसे टेस्ट करते रहिएगा हर बार। तो ये बन चुका है। अब इसे हम दूसरे मोल्ड में भर लेंगे, और हमारा दूसरा पॉपसिकल का ये मोल्ड रेडी है। तो ये लीजिए, हमारा सेकेंड वाला भी पॉपसिकल का मोल्ड रेडी हो चुका है। चलिए अब बनाते हैं थर्ड वाला। तो इसके लिए हमने फिर से ग्लास ले लिया है, और अब यहाँ पर आपके घर में जो भी क्रस अवेलेबल है, किसी भी फ्रूट, मेरे पास यहाँ जामुन क्रस था, वो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच डाल लिया है। और इसमें भी शुगर अवेलेबल होता है, ऑलरेडी रहता है। तो बस आपको यहाँ पर ऐड करना है पानी, और सिर्फ मोल्ड के इतना ही मैंने यहाँ पर ये बनाया है। और तीसरा जार भी हम यहाँ पर भर रहे हैं अपने पॉपसिकल का। तो लीजिए, हमारा तीसरा पॉपसिकल जार भी रेडी है। इसे भी आप टाइटली बंद करके रख दीजिए। तो 3 पॉपसिकल हमारे बहुत ही जल्दी रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब बनाते हैं चौथा वाला। तो फिर से मैंने यहाँ पे ग्लास ले लिया, और अब हम यहाँ बना रहे हैं सबसे टेस्टी वाला, लेमन वाला, जो कि सभी को पसंद आता है, लेमन वाला पॉपसिकल। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 लेमन का जूस निकाल लिया है। छोटे लेमन थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर बड़े हो तो आप 1 ही ले सकते हैं। उसमें ऐड कर देंगे हम पानी और शुगर और थोड़ा सा सॉल्ट, जैसे कि हम बनाते हैं। और लीजिए, हमारा लेमन वाला भी पॉपसिकल रेडी है। इसे भी हम अपने चौथे जार में भर रहे हैं। तो चौथा भी हमारा पॉपसिकल बनकर रेडी हो चुका है। इसे भी टाइटली बन करके हम रख देंगे। और चलिए अब हम बनाते हैं फोर्थ वाला। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोकम सिरप। कोकम सिरप जो सभी के घर में अवेलेबल होता है गर्मियों में, तो उसमें से हमने यहाँ पर 2 चम्मच कोकम सिरप का सिरप डाला है, और उसमें हमने डाल दिया है शुगर, और इसे अच्छे से घुमा लिया है, मिक्स कर लिया। और फिर हमारा पांचवा हमारा पॉपसिकल का जार भी यहाँ पर भर चुका है। बहुत ही कलरफुल पॉपसिकल हमारे रेडी हो रहे हैं। इसे भी हम रख देंगे साइड में। और अब हम ले रहे हैं यहाँ पर ग्रेप्स। तो बहुत सारे फ्रूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप चाहें तो ये सारे छोड़ के हर टाइप के फ्रूट्स के भी पॉपसिकल बना सकते हो। यहाँ पर मैंने ग्रेप्स लिया है, जिसे मैंने पीस लिया है, और इसे अब हम छान देंगे। और हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, आप कुछ भी ऐड मत कीजिएगा। बहुत ही नेचुरल टेस्टी पॉपसिकल बनता है ये। तो इसे अच्छे से छान लिया है मैंने, और अब हम इसे डायरेक्टली भर देंगे हमारे छठवें पॉपसिकल के जार में। तो लीजिए, हमारा छठवां लास्ट पॉपसिकल का जार भी भर चुका है। इसमें हम टाइटली बंद कर देंगे, और बस लीजिए, हमारे 6 पॉपसिकल के जार भर कर रेडी हैं। कलरफुल लेमन, टैंग, जामुन, अंगूर, आइस पॉप और कोकम। तो यहाँ पर मैंने इस मोल्ड वाले स्टैंड में रख दिया है, जो स्टैंड आता है मोल्ड का, अच्छे से लगा लेंगे। और इसके बाद हम इसे रख देंगे फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए। बहुत ही अच्छा फ्रीज हो जाता है ये, 5 से 6 घंटे में भी तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने फ्रिज में रख दिया है, और 6 से 7 घंटे के बाद मैंने निकाला है, और हमारा पॉपसिकल बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे डीमोल्ड करते हैं। तो इसे डीमोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजीली हो जाता है।
तो चलिए अब हम इसे रिमूव करते हैं। तो मैंने ये निकाल लिया है और हम लेंगे पानी का एक बाउल और उसमें इस तरह से हम इसे चारों तरफ से एक मिनट के लिए खाली घुमा लेंगे और ये देखिए बहुत ही इजीली ये निकल जाता है इस तरह से। ये हमारा टैंग वाला पॉप्सिकल, सबसे टेस्टी पॉप्सिकल। तो हम रख देंगे इसे एक प्लेट में और अब हम लेंगे यहाँ पर लेमन वाला। इसे भी हर एक मोल्ड को आपको सिर्फ एक मिनट पानी में इस तरह से घुमा लेना है और बहुत ही इजीली ये बाहर आ जाता है, ये देखिए। तो इसी तरह से सभी पॉप्सिकल को आपको करना है, कोई भी झंझट नहीं है इसे निकालने का। ये तीसरा वाला भी हमारा रेडी है जो कि है सिरप का। और चौथा हम बना रहे हैं, निकाल रहे हैं ये अंगूर वाला ग्रेप्स पॉप्सिकल। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही टेस्टी पॉप्सिकल बने थे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये पांचवा है हमारा जामुन क्रस, ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छा बना है। तो इस तरह से आप घर पर ही बच्चों को सीजनल और घर में अवेलेबल चीज़ों से पॉप्सिकल बनाकर दे सकते हैं। और ये सबसे अच्छा और सबसे ठंडा टेस्टी पॉप्सिकल आइस एप्पल का पॉप्सिकल, जो कि बहुत ही लुक में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ट्राई ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।